वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज अमन के साथ फिर और मनीष के साथ फिर जा रहे हैं ब्रह्मस्थली की ओर को, जो पंगोट से करीबन 5 किलोमीटर आगे पड़ता है। और देखो फिर इसने चश्मा पहन लिया, और देखो इसको पीछे से ये कैसा डांस कर रहा है, नखरे भी बड़े। अरे मैनू नहीं पता। सो गाड़ी लेते हैं और सीधे ब्रह्मस्थली को निकलते हैं। पिछले बार ले गया हूँ तो मैं ब्रह्मस्थली, बट आज इनके साथ भी जाता हूँ, देखता हूँ कितनी दूर तक का ये हमें ले चलते हैं भाई। सो ऊपर है भाई। दोस्तों कल भाई इधर ही पार्क करी थी, सो नाव इसको उठाते हैं और ले चलते हैं दोनों की भाई। इधर ही खड़ी है मलिताल दाना डाट में हम पहुँच चुके हैं, और ये मुझसे पूछ रहे रास्ता, पुराने घूमे हुए खिलाड़ी है मगर मेरे से ही पूछेंगे हर चीज़ में। सीधे सीधे चलो, हेलो हेलो क्या होता है भैया। सो यहाँ से ब्रह्मस्थली जाना, मैं टॉप पे दिख रहा हूँ उसके पीछे है, करीबन यहाँ से 25 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, 1.5 घंटा पूरा लगना है हमें। पहले मलिताल जाते हैं उसके बाद देखते हैं। ट्रैफिक का इशूज़ कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, भीड़ देख सकते हो यार। आज मालरोड सीजन से पहले से ही भरा पड़ा है, और आज वैसे भी संडे है, संडे के दिन का रोमांच भरा जिंदगी है। सो सारे के सारे निकल आए अपनी मंजिल भी क्या कह सकते हैं डेस्टिनेशन की ओर पर, कि जो आज ये आए हैं ठंडे का मजा लेना है, क्योंकि आज ज़्यादा ठंडा भी है और नीचे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। बट हमें तो जाना कहीं और, क्योंकि आज मैं इन वादियों से थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ, जो पड़ती है मेरे को पंगोट साइड में। सो पंगोट साइड बेस्ट एरियाज है बर्ड वॉचिंग के लिए, और बर्ड सेंचुरीज भी कह सकते हो उसे, और मज़ा भी आता है वहाँ बहुत ज़्यादा। इस माल रोड में ना बाइक चलाने में आता बहुत ज़्यादा मज़ा। सो ये स्थिति है कि यहाँ पर बाइक चलाने में कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा मुझे, तब एक हाथ से चला ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो कुछ ना कुछ तो हो जाता, क्योंकि नीचे की जो माल रोड है उसमें भी आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। सब कटे में देखना कितना ज़्यादा ट्रैफिक का इशूज रहता है। तो फाइनली एरिया के बाहर पहुँच चुका हूँ, और अभी कृष्णा राव से बाइक लेता हूँ मैं, ये स्कूटी चढ़ नहीं पा रही बिल्कुल ही। अब वो कितनी देर में आता है उसका वेट करने के बाद ही पता चलेगा, ही इज़ अ इनसाइडर, बट आए तो पता। फाइनली ही इज़ बैक अनदर टाइम, हर बार की बार इस बार भी आ चुके हैं, और ड्रीम आईपीएल में 50 रुपये इतनी तो चली रही है यार भाई, घर पहुँच जाए आराम से। सो बाइक किधर खड़ी है तेरी भाई? है अच्छा जी। देखो दोस्तों शॉर्टकट नहीं मारने का नतीजा, देखो दोस्तों शॉर्टकट नहीं मारने का नतीजा। नीचे क्या वेट कर रहा था, जब तेरा तुम्हारा कॉल आ रहा था मैंने केके को कॉल कर रहा था भाई, दर्शन में पहुंच चुके हैं, और अमन को मैंने भेजा गाड़ी निकालने को, लेकिन वो सही टक्शन नहीं दे पा रहा लग रहा है यार, सब जाम ही जाम है भाई हर जगह। क्या कहना चाहोगे अभी जाम के लिए क्या कहेंगे, डेली का ऐसा हो रहा है आजकल भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें। कब पहुंचेंगे कब आएंगे ना जाने, पता नहीं यार, मेरे को तो लगता नहीं है पहुंच पाएंगे। हिमालय दर्शन फेमस पॉइंट, आधा घंटे के बाद हम इस जाम से निकले, और जो सामने गाड़ी चल रही है तो कुंजा खड़ा छठी मैंने पंगोड़ 8। सो लगेगा आधा घंटा अभी बाइक से भी हमें, अच्छा करा यार भाई कार नहीं लेकर आए, और क्या कहते हैं बाइक से आ गए हम। और अभी मेरे भाई अभी रागेश गाड़ी चला रहा है, अभी तो वैसे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये रहा बहुत फेमस मंदिर सत्यनारायण मंदिर, जहाँ हम बचपन में आते थे। कितना बड़ा उल्लू है ये देखिए सामने, सामने चला जाए, सामने जाके देखते भी ये देखो, लाइफ में इतना बड़ा उल्लू आज तक ना देखो भाई, ये सामने बैठा देखो दोस्तों, ये पीछे वाले ने भाई डीसी कर दी बहुत बढ़िया थी यार, इसी का मतलब आपको बताऊं फोर प्राइस। सो वो उल्लू भाग चुका है, अब फिर दोबारा नीचे की ओर भागते हैं, उम्मीद की जाना ब्रह्मस्थली है, और पता नहीं गाड़ी बोर्ड साइड पहुँच चुके हैं। अब सोच रहे हैं यहाँ से कुछ ले, क्योंकि इनर साइड में दुकानें बहुत है, तो दुकानों से कुछ आइटम लेके आते हैं। सो चले अंदर की ओर, इनको भी जाना था अंदर कोई, और मगर उसके बाद आइटम ले रही है, मेरे को समझ नहीं आया, कभी पता कर दे, देखो यहाँ पर ले लिया, केक ले लिया है, पानी की बोतल ले ली, साइड ले ली है, और पता नहीं क्या क्या देखते पता नहीं क्या। अरे एक से हो जाता है यार, बहुत एक नहीं होता, दो ले लेंगे फिर आके अंदर बंदी अंदर दोस्तों, कुछ बाकी नहीं हुआ, बस यहाँ आके मुँह खाने का मन हो गया। रिफ्रेशमेंट का सामान ले लिया और थोड़ा कुछ खा भी लिया है, चलो थोड़ा चार्ज हो गया भाई। सो अब यहाँ से अगली सवारी फिर शुरू करते हैं भैया। सो फाउंडर सो दोस्त गए यहाँ से, और यार इसने बड़ी दिमाग की लगी है भाई। तो यार दोस्तों निकल चुके हैं यहाँ से, आगे से फिर से, और फिर से आज मैं इसको बाइक चलाने दे रहा हूँ, और ये भाई पीछे बैठा है यार, अभी ट्रैक करना है भाई, अभी तो ट्रैक बड़ा ब्यूटीफुल है भाई, ट्रैक में ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, और जो ट्रैक है ना उसके आनंद अभी आगे से लोगे भाई तुम। तो चलते हैं अब, भाभी का मैसेज आके, भाभी का मैसेज हो ही नहीं सकता, डेड जॉगिंग प्रो के नीचे वाला रास्ता कहां है, दोनों लड़के सिंगल हैं, बहुत ही अखंड सिंगल, अखंड चित्र, अखंड सिंगल, तो गलत है।
नंदा देवी हिमालय पक्षी आश्रित केंद्र और यहाँ से मिला आपको वेलकम टू बायोटेक। दोस्तों पहुँच चुके हैं अपने स्थान पे बर्ड सेंचुरी पे। ओह वाटर साइकिल, ये लिखा है देखो यहाँ पर वाटर साइकिल। सो यहाँ से कई वाटर साइकिल ऐसी माउंटेन से जो नीचे की ओर जाती है ना ओशन पे, और हमें दिखा है यहाँ पर जाना। देखो हो तो ऊपर जाते हैं वेलकम, यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है मगर वो दोनों पीछे की ओर रखे पड़े भाई। और यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल लिखा है देखो। सो ये है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ से करीबन हमें जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर ऊपर भाई। ये जो रास्ता जा रहा है ना पैदल 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 पैदल, और देखो कितना सीन देखो, डेफिनेटली इनका बस का नहीं हो पाता ये हमारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँचे हैं। बट अब हमें ऊपर चढ़ने की ताकत का तुझे मैं पता है ऊपर कहाँ जाता है भाई, ऊपर खिचड़ी वाले दाम पे कोई नहीं खिचड़ी खाएंगे आज, खिचड़ी खाएंगे ऊपर। ट्रैक स्टार्ट, और यहाँ से ट्रैक ऊपर जाने के लिए बहुत ऊपर जाना है। पिछले ब्लॉग आप मेरे देख सकते हो, ये चढ़े नहीं है पहले ही थक गए तो गलती कर दी गई ऊपर चढ़ने के लिए। और देखो रोड से हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं और इनको लग रही है गलती। वो देखो आगे, अभी तो आगे आगे चला जाओ, ऊपर ऊपर चढ़ेगा फिर कहना कहाँ चढ़ गया। बहुत पहले आ चुका हूँ और अभी चल रहे हैं और देखते हैं कितना कम और इस बाइक को तो फर्क ही नहीं पड़ता। शहर में कुछ पसीने ना कुछ ही देखो स्ट्रीट डॉग बन गया तो मैं ही जीतूंगा। और भाई 9 महीने शिप में रहने के बाद आज तुम ये ट्रैक चढ़ रहे हो कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है? चढ़ जा रहा हूं हां, सांस थोड़ी फुल्ली है लेकिन कैसा कर रहा बताओ। मनीष इस तरह नहीं कि 3 बार बैठ गए, कैसे कर रहा है? क्योंकि आवा कपिला शिवाजी इसका फायदा नहीं बहुत ऐड कहता है मोनेटाइज करेगा और उसके बाद ऐड में काम करेगा, वो भी कपिला शिवाजी थे उसमें। देखो Yes. आज मेरा पड़ाव है 21 दिन के हार्ट चैलेंज का 8वां दिन है और मैं फिट रहने के लिए शिलाजीत कपिला शिलाजीत यूज करता हूँ। अबे कपिला नहीं होता, कपिला तो पशु आहार है, कपिवा है। कपिवा हो कपिला कपिला, ये लोग ना पगली है दोस्तों, पागल हो गए। सो हमें जाना कहाँ, तुम्हें दिखाता ऊपर टॉप में जाना, मैं इतना है उसके बाद थोड़ा और है। सो सो इसको देखो, ये अभी से ही कन्फ्यूज हो गया जाना कहाँ करके। ओह What about you? नहीं इजी है, कुछ ज़्यादा होने देख, अभी दौड़ ले रहा हूँ ये 10 मिनट में 20 किलोमीटर दौड़ने वाला है 20 मिनट में कितने किलोमीटर का चैलेंज पूरा करा था आपने? 20 मिनट में बहुत ज़्यादा आपको यकीन नहीं आएगा, 8 किलोमीटर। ओ भाई ये 2 किलोमीटर तो मैंने हाँ सिर्फ 1.5 मिनट में कर लिए थे। अच्छा फिर उसके बाद पैदल आया था क्या? मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ से जो नज़ारे हैं ना बुग्याल से तो नैनीताल के बुग्याल से मैं आज मैं दोबारा आया हूँ, और मेरा मोशन ऐसा बना है कि मैं ऊपर को चढ़ रहा हूँ और मेरा जो इंजन है इतना गर्म हो गया है क्या बताऊँ तुम्हें। मैं बुलेट के माफी जैसे बुलेट चलती थी ना पहले धक 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 धक, वैसे अगेन मैं ब्रह्मस्थली के उस मंदिर में जाने के प्रोत्साहन करूँगा आज फिर से और जाऊँगा। और देखिए नीचे की खूबसूरत वादियाँ, क्या ज़बरदस्त वादियाँ भैया। ओ और हवा ऐसी चल रही है लहराती हुई बलखाती हुई लहरा के बलखा के, ऊपर जाके फील होगा जब तुम्हें ऊपर टॉप पर पहुँच जाओगे ना। ऊपर चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर पहुँच गया हूँ, बट जो मनीष है 3 बार बैठ चुका है और अमन का क्या कहूँ अमन का क्या कहूँ, अमन तो कह रहा मनीष चढ़ रहा ऊपर भाई पेड़ काटा कहाँ गिर गया भाई, हवा के प्रकोप से जो ठंडा आया था बीच में उसके प्रकोप से इसकी ये हालत हो चुकी है। दोबारा से जो कि हर लोग अपनी वीडियो पे देखते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा मतलब थोड़ा आपके रिमाइंडर डालूंगा, नेचर में आते हैं बिल्कुल गंदे नहीं करें, मुझे भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगता है। प्लास्टिक की बोतल है थोड़ा कचरा, फिलहाल यहाँ पे को हमें इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला, कचरा नहीं देखा तो यार इसलिए भी हैप्पीनेस। तो अभी जो है हमारा 20 मिनट का ट्रैक और बचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आए और सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। आप फॉलो कीजिए और ऐसी वीडियो हम तुम्हारे लाइक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कमेंट आपको आप इस वीडियो को लास्ट में देखें कि आप पूरा वीडियो देखें और आप देखेंगे यार आपको कितना जो सुंदर सुंदर दृश्य हमें दिखाए, और आई होप आपको हमारी छोटी अलग मस्ती पसंद आ रही होगी। बता रहा था ना जैसे कि यहाँ पर कम गंदगी है क्योंकि यार अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते हैं, हाइडिंग प्लेस भी है बहुत ज़्यादा। सो कम से कम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि एक तो ट्रैक ज़्यादा है तो ट्रैक की वजह से यहाँ पर लोग कम विजिट ही करते हैं। तो अभी हम मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ, ये भी पहले आ चुके होंगे इनका मुझे पता नहीं है, बट मेरा सेकेंड टाइम है। पहले बार मैं धीरूदा विकीदा और चेतन दा अक्षत लोगों के साथ आया था, बट नाउ आई एम गोइंग
ऊपर हिमालयास, सीधे सीधे चल लो ऊपर को आप। अब हमें ऐसा लग रहा है कैमल्स बैग की चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, बट अमन थक चुका है बिल्कुल। देखो ये देखो ऐसे भाग रहा है जैसे भूकंप ला देगा भाई ये, तो हमें जाना ऊपर की ओर। सो देखो कैसी जगह, ये देखो जगह जगह यार ये बैठा है ऐसी जगह, ये देखो और नीचे खाई कहीं धूप है। फाइनली दोस्तों ऑलमोस्ट बेंच के पास पहुंच चुका हूँ, वो देखो वो नीचे ही अभी अभी तक नहीं आ पाए। और यहाँ से भिहो दिखाऊँ, भिहो ये देखो भाई पूरा पूरा गिरने का है। ये देखिए यहाँ से कोटाबाग, कोटाबाग को रास्ता जाता है और हम आए हो वहाँ से, वो जो सामने एरिया है वहाँ से। और सामने देख रहे हो चाय चाय अभी भी दिखता है, सब चीज़ दिखता है। और भाई यहाँ से जो नज़ारा है कोटाबाग के, वो देखो सामने कोसी नदी, और यहाँ से रात्ती घाट भी दिखता है। पेड़ों के चक्कर से मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा, बट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है दोस्त। तब तक हम यहाँ बैठते हैं और हमें साफ कहाँ पर जाना है मैं आपको दिखाऊँ। वो सामने देखो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मंदिर देख रहा हूँ, वहाँ जाना है भाई। यहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर के अराउंड रह चुका है, थोड़ा सा रह गया। मुझसे पूछ रहे भुग्याल से कहाँ है, तू आ तो सही पहले भाई, ऐसे जज नहीं करते, जब ऊपर पहुँचेगा तभी जज करना, अदरवाइज जज करने की चेष्टा भी मना करना तुम भैया। इंटरेस्टिंग ट्रैक में आ चुके हैं हम, बस धूप लग रही थी थोड़ी देर पहले, नाव प्लीज पेड़ों की छाँव में जा रहे हैं, प्लीज़ पेड़ बचाइए, ये आदेश सबों के लिए है। क्योंकि नेचुरली आजकल सभी पेड़ काट दे रहे भाई, जितने भी है हर जगह पेड़ कटाई चलती है, बट अब हमें सिर्फ 500 मीटर जाना, 500 मीटर जाना, 500 मीटर। सो ये हमारे पता नहीं किसका वेट कर रहा है, और ये ट्रैक ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह चुका है। तो क्या कहेंगे आप भाई, इधर को देखना वो भी आता है भालू वालू। हाँ ट्रैक कैसा लगा तुम्हें, क्या बढ़िया बढ़िया लगा रखा है, सही है तब तो। तो क्या सोचना चाहेंगे आप, कहना सोचना सर, मतलब सब ठीक चल रहा है, एक चीज कब मारता है ना भाई, इतनी का वापसी देखा बैग मैं लेके आया हूँ, अब 200 मीटर रह गया तो कह रहा है बैग मैं ले जाता हूँ, ऊपर अगर कोई कहेगा तो कहेंगे कहूंगा मैं लेके आया हूं। अगर आपको ये सब कुछ अगर चेक करने तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और देखिए मैं कैसी कैसी जगह पे हुआ और तुम मेरा भी इंस्टा चेक करिए, मैं भी कौन पहुंच चुका हूं। हां पूछ लिया भाई ने कितना दूर है, थोड़ा सा रह गया, देखो थोड़े से के चक्कर में ये पूरा ही तेज भागते हुए जा रहा है ये। अबे कपिला नहीं कबीला, वो भी कौन सा वाला कबीला है बता तेरे को, हक्का पिक्का उसको थोड़ा सा रह गया। मैं झंडे के पास पहुंचा, देखो यहाँ पर खड़े होने का स्थल, और यहाँ से हवाएं इतनी प्यारी आती है ना, कभी कभार तो 47 में पोल डांस करने की भी सोचते हैं, मगर दे आर ट्राइंग टू गो देयर। उसके बाद और ऑलमोस्ट हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है, वो तो सामने मंदिर देख रहे हो, वो सामने है उतर जाना है ब्रह्मस्थली। तो दोस्तों क्या कहा था ना, ब्रह्मस्थली में जाके मिलते सीधे। तो ये जो सामने घर है ना, ये खिचड़ी वाले बाबा का है, ये यहाँ ही रहते खिचड़ी वाले बाबा, तो तुम्हें कभी कभार आएंगे तो खिचड़ी भी ला देंगे। सो मे बी कभी यहाँ भंडारा भी होता होगा, आई डोंट नो, बट होना चाहिए यार, क्योंकि कोई लोग आते हैं बिना खाए पिए, मगर यहाँ पानी की खाने को नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, खाने भी नहीं मिलता। हाँ मगर एक बात कहना चाहूँगा, जो खाने पीने का सामान है घर अपने साथ लेके कैरी करके चलना, क्योंकि ऊपर कुछ चीज़ मिलती नहीं है, ना पानी की सुविधा है ना किसी चीज़ की सुविधा है। आप लोगों ने भी चक्कर हुआ भाई, आज घर भी खुले हैं लगता है, खाना ना आज अंदर ही बनाया गया है। ये देखिए पिछले बार तक का तो पूरा कपड़ा ध्वस्त पड़ा था, जब मैं आया था आपने देखा होगा यहाँ पर बर्तन गए थे उस दिन, बट आज का भी डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है भाई इधर। पहले मंदिर की ओर को जाएंगे, चलेगा हाँ, वो वहाँ से भागते आ रहा पहले तो। सो चलो भाई, काफ़ी लोगों ने विजिट करा हुआ यार आज तो, अरे पूजा होगी आज यहाँ तक आए होंगे, पूजा चल रही पीछे, पूजा करने के बाद यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। सो जो मनीष के लिए वो बेस्ट चीज़ बनी है, मगर तुम्हें पहले मैं कोने में ले जाता हूँ इधर, देखो किस कोने पर जा रहा है, ये मरने की हालत कर रहा है, तो इसे बचाएगा कौन, ये देखो यहाँ जा रहा है भाई यहाँ पर। हाँ देखो दोस्तों क्या था, खूबसूरत जगह है और निजात भी कह सकते हो, और यहाँ से अगर कोई गिर गया तो मिलेगा भी नहीं भाई, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट है। और हमें जाना मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर खोल लेते हैं, यहाँ पर खोल लेते हैं, तो यहाँ पर जो उतारते हैं जाते ऊपर, मगर यहाँ पर आग क्यों लगाई है समझ नहीं आया, शायद इसमें आग पकड़ जाए इस वजह से यहाँ पर आग लगाई है। तो तब तक बढ़ते मंदिर की ओर को, मंदिर के अंदर का पहले तो मैंने आपको दिखाया, बट नाउ अगेन ये देखिए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब पहले तो इसको लगता है अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो, हे प्रभु अब हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, सो हमारी जितनी भी मनोकामना है उसे पूर्ण कर लेना, और हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जय हो प्रभु।
पर सबसे पहले वही पिछले बार की तरह यहाँ पर देखिए भगवान की मूर्ति लगाई गई है। अब त्रिशूल, दिया, चिमटा, गुलजी भगवान लग रहे हैं मुझको। यहाँ पर गुलजी भगवान की स्थापना की गई होगी। और ये सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको स्टार्टिंग में ब्रह्मदेव की मूर्ति, यह है ब्रह्मदेव। और इसके जस्ट बगल पर आपको दूसरे भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी, सरस्वती माता की मूर्ति है। ये सरस्वती माता का मंदिर है, इसी के जस्ट बगल पर जाएंगे 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 साहब। और ये देखिए यहाँ से जो नज़ारे हैं 360 के पूरे पूर्ण नज़ारे भाई। और ये देखिए यहाँ से उधर को बक्कड़, कोटाबाग, रामनगर और इधर साइड को अल्मोड़ा, अल्मोड़ा है मगर दिखेगा नहीं। मगर यहाँ पर देखिए भगवान जी की मूर्ति पुटेट गई है, सरस्वती माता और कृष्ण भगवान दिख रहे हैं मुझे गौ माता के ऊपर बैठे हुए। और यहाँ पर राम कृष्ण, राम और सीता माता की फ़ोटोज़, राम राम सीता है या राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ही लग रहे मेरे को। देन अगेन हनुमान जी की मूर्ति दिख रही मुझे यहाँ पर, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। सो इसी के जस्ट बगल पर त्रिशूल, त्रिशूल है और घंटा, घंटियाँ इसलिए बाजी गई है, मन्नतें, मन्नतें पूर्ण होती है ना घंटियों में, तो जिसने मन होती है तो ये यहाँ पर घंटी घंटी चला जाती है। पहाड़ों की ज़्यादातर मान्यता है किसी लोकल में है ना, कामना पूर्ण होगी तो हर व्यक्ति आता है और घंटी चला जाता है। यहाँ पर आके इतनी शांति प्राप्त हो रही है दोस्तों, वाव दैट्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा बहुत। और यहाँ पर देखिए आपको एक और मंदिर दिखाते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर है और सामने इनकी मूर्ति तो लगाई गई है मगर चीज़ पता नहीं कहाँ उड़ा दिया गया इनका, ये देखिए। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पूजा वूजा करते हैं, सो ये बहुत अच्छा है कि लोग पूजा करने यहाँ पर आते हैं, अपनी आस्था बनाई रखी है। तो हमारे भाई मनीष जी ने अपनी मन्नत मांग ली है, पता नहीं जो भी मांगी होगी मगर पूर्ण जरूर। मंदिर से आउटिंग हो गई है, मंदिर के अंदर जो शांति मिली है अपार शक्ति तो मिल नहीं पाई मगर अपार सुख मिला हुआ है मंदिर के अंदर आके। सो चलते हैं अब इधर साइड पर। तो जाल से दिखा के लिखा था आपको पिछले बार जब मैं भुगाल से गया था, वही वाला भुगाल से दिखा के लिखा था। वी आर गोइंग टू आगे की साइड, चढ़े ऊपर तो एक एक करके जाओ, एक एक करके। सो जाते हैं आगे, कौन जाएगा? सो देखते हैं वहाँ जाके, वो हमें जाना हो सामने ऊपर टॉप में, वहाँ में चढ़ चुका हूँ, देखो कितनी हाइट से है। और मैं ऊपर चढ़ा हूँ, बंदरों की आवाज़ भी निकाली मैंने एक दो, बट तुम्हें यहाँ से भुगाल से दिखाने वाला था मैं, भुगाल से जहाँ हमें जाना, वो सामने वहाँ जाना है। हाँ उतना दूर और जाके मजा भी आएगा भाई। बहुत दूर हो जाएगा भी, चलो। नहीं बहुत दूर नहीं है, नज़दीकी है। चलो फिर अभी नीचे को उधर उतरते, ये दोनों नीचे खड़े देखो उधर और पहले मेरी बात ये नीचे उतरेंगे फिर मैं चलता हूं। देखो वो टावर में चढ़ के ऊपर, बस वहाँ चढ़ के नज़ारों का जो मजा लिया है भाई, दिल को राहत मिल गई और उसके साथ फतेह अली खां भी मिल गया। तो नाउ गोइंग टू ट्रैकिंग, सीधे धीरे धीरे आगे की ओर चढ़ते हैं, थोड़ा सा जंगल का रास्ता है, बस भुग्याल से जाते हैं। और यहाँ पर जो कैंपिंग करने का एरिया ना, देख यहाँ को सबको कैंपिंग होती है, देख अमन ये होती कैंपिंग यहाँ पर की, ये देखो आग जला की कैंपिंग करने के लिए यहाँ पर टेंट टेंट आराम से लगाया जा सकता है कि वजह से प्लांट ड्रॉप हो गया। तो आगे पानी के उसमें बैठते हैं थोड़ा सा और वापस की ओर चल रहे हैं, तो प्लान कैंसिल वापस जाने का, तो भुग्याल से नहीं जा रहे हैं। सो वापस की ओर बढ़ रहे हैं, तो मिलते हैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज रियो लियो 3904 या रियो ब्लॉगिंग से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो आपके लिए ऐसी वीडियो बार बार लेके आऊँगा और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे, नाम है द कैंपिंग फॉक्स, और कैंपिंग फॉक्स को जरूर फॉलो करें, तुम्हें ट्रैकिंग वाली वीडियो देखने को मौका मिलेगा बहुत अच्छी वाली, और कैंपिंग भी करते हैं साथ में जहाँ भी मिल जाए। नमस्ते। सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।